है तो आपको तो मीडिया में आकर बताना चाहिए ना। तो वो बताते इसलिए ना, अच्छा जब वो बताते हैं तो इंसानी जमीन है, वो फिर सच बोलता है, सच बर्दाश्त नहीं है। सच बोलेंगे तो ये झूठ के एक इमारत खड़ी है पूरी दुनिया में, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। जैसे गिरी थी, तो मैं अब भी यही समझता हूँ कि झूठ झूठ होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। कौमों की जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में 100-200 साल ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इस झूठ पे बनी हुई इमारतों को बाहर धड़ाम से गिरना है। हमें ये चाहिए, हम मुसलमान हैं, कि हमें हक और सच जो है, जब जो हमारे नबी वसल्लम ने तालीमात दी है, और इसके बाद और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में खुलफाए राशिदीन या उसके बाद भी, बहुत अच्छे भी बादशाह हैं, बहुत बुरे भी आए हैं, लेकिन काम बड़े बड़े हुए हैं, उसको इकट्ठा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और हमें बार ये कहने के देखिए, मुसलमान आज थोड़े अंडर प्रेशर इसलिए भी है, तो मुसलमानों से दुनिया इसलिए डरती है कि ये हुक्मरान रहे हैं, ये हिंदुस्तान से इसलिए नहीं डरते, वो डार्लिंग ऑफ द वेस्ट इसलिए, उन्हें पता है इनसे अच्छी रियाया कोई है ही नहीं। मुसलमान रियाया भी होता है लेकिन वो हुक्मरानी भी करता है, लिहाजा वो यस सर ज़्यादा देर तक करता नहीं, नो सर करता है। जो पक्की रियाया होती है वो हर बात में यस सर करती, कुछ भी करो उनको गाली भी दे दो कहते हैं यस सर। तो हमारे ऊपर इसलिए कि कहीं दोबारा इस्लाम की निशात सानिया जो है उसका आया ना हो जाए, उससे डरते हैं ये, चाहे वो ये जो कर रहा है, इसके पीछे बाकायदा एक नजरियाती बातें हैं। हमें तो ये कहते हैं कि ये फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हैं, खुद जितना बड़ा इजरायली फंडामेंटलिस्ट है होता है कोई भी नहीं, और मुसलमानों को भी फख्र होना चाहिए अपने फंडामेंटलिस्ट होने में, इसलिए कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं मजहब की वो तब्दील नहीं होती कभी भी, उसमें बिल्कुल फंडामेंटल। एक मॉडरेट रिलीजन भी है, लिबरल भी है, लिबरल वो वाला लिबरल नहीं है जो आजकल के लिबरल हैं, लोग मुंह से कह देते हैं जी हम लिबरल हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि लिबरल की जो तारीफ लिखी हुई है वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, उससे सोसाइटी जो है वो तितर बितर हो सकती है और हो रही है। तो ये सारी बातें हैं, मुझे मज़ा आ रहा था आपसे बात करके, लेकिन अब मेरा ख्याल है टाइम इतना है नहीं कि मेरी जो तकरीर है वो आपके समक्ष राशि मजीद करें, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।